गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह का 6 बज चुका है और पीहू अभी तक हमारी सो रही हैं। पीहू उठ जाओ, पीहू पीहू उठो, हैप्पी शिवरात्रि। देखिए हैप्पी शिवरात्रि। गाइस, पीहू अभी तक जो है सो रही हैं, और जो है आप पीहू जल्दी से उठेंगी और नहाएंगी धोएंगी और थोड़ा सा मम्मी के काम में हेल्प भी करवाएंगी। हेल्प करवाएगी ना पीहू? जल्दी से उठो, सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दो। अरे गुड मॉर्निंग, सामने देखे बोलो भाई, और गुड मॉर्निंग, शिवरात्रि विश कर दो। ओके हैप्पी शिवरात्रि। तो गाइज, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए अब जो है पूर्णिमा की साफ सफाई स्टार्ट हो रही है, और वाइपर पकड़ने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी जो है साफ सफाई की ही ना हो। हाँ पूर्णिमा, साफ सफाई कैसी हो रही है? ठीक हो रही है? नहीं, हाँ कभी कभार जो है वाइपिंग का काम जो है प्यू ठीक से कर लेती है। तो देखिए गाइस, मैं पूरा वाइपिंग का काम शुरू हो चुका है। तो अब मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। चलो भाई, घर पे भी पूजा कर ली। और फ्रेंड्स, इधर हम मैंने यहाँ पर थाली भी बिल्कुल अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दी है। अभी हम लोग जा रहे हैं वो रोली खरीदने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग शॉप पे एंटर कर रहे हैं। शॉप पे आ चुके हैं, हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। और हम लोगों ने तोड़ लिया था उधर से ही इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा बेल। अरे पापा के हाथ में भी है, इतना बड़ा बेल तोड़ लिया था। तो देख सकते हो मम्मा तैयार हो चुकी है यहाँ पर, आंटी जी भी तैयार हो चुकी हैं। पापा हेलो करो। देखिए यहाँ पर मम्मा पूरे प्रसाद से। हाँ देखिए, हम लोगों ने यह पूजा जो है यहाँ पर कर ली, और आप लोग देख सकते हैं कितनी जो है भीड़ है। देखिए देखिए, हमारे कॉलोनी का जो है शनि भगवान जी का भी मंदिर है, और यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है भीड़ रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हनुमान जी का मंदिर हमारे चाचा जी ने जो है बनवाया है। देखिए कितना सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से बनवाया है, श्रद्धा भाव के साथ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी जो है भीड़ है। टाइम अच्छा खासा हो गया है, और देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं, और मैं हमेशा जब मंदिर से जाती तो हमेशा मैं पापा से दही लेती हूँ। तो अब हम लोग दही लेने के लिए जाएंगे, क्यों पापा, है ना? अरे पीहू, आप तो जो है पढ़ने बैठ गए, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए। अरे मम्मा, नाश्ते में ना मैंने बहुत अच्छी सी लिस्ट बनाई हुई है। हाँ अच्छा, हाँ सबसे पहले तो हम लेंगे फ्रूट्स, वाओ मजा ही आ जाएगा। उसके बाद पता है मम्मा, हम लेंगे लस्सी, आह मजा आ जाएगा ठंडी ठंडी। और उसके बाद हम लोग पता क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे वो साबूदाने की खिचड़ी, अरे वाह मजा ही आ जाएगा। और फिर हम लेंगे मिल्क केक, ओ माय गॉड यम्मी यम्मी। और हाँ मम्मा, स्वीट्स में भी मुझे कुछ चाहिए होगा, तो मेरे लिए काजू कतली ले लेना, मेवा के लड्डू ले लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ मम्मी, ड्राई फ्रूट्स लेना तो भूलना ही मत आप। मैं तो उससे खाए बिना तो रह ही नहीं पाऊँगी। हाँ तो मम्मा, अभी अभी बस इतना ही कह देती हूँ, नाश्ते में इतना बना लेना, ठीक है? बेटा हम तुम बेटर नहीं है जो हम तुमसे जो ऑर्डर लेने आए हैं, हम तुम्हारी अम्मा हैं। आ गई बात समझ में? हम तुमसे बस इतना पूछ रहे थे कि तुम नाश्ते में क्या लोगे। तुमने तो पूरी लिस्ट जो हमें थमा दी। व्रत है चरत नहीं है, समझी? चल पढ़ाई कर ले। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मम्मा की बन रही है प्यारी प्यारी गरम गरम। क्या बन रही है मम्मी बताओ? चाय बन रही है, और चाय मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और चाय का समय तो हर समय होता है, तो चलिए चाय पीते हैं। आ जाओ। चलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी चाय पसंद है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो कॉफी पसंद है। जिन लोगों को कॉफी पसंद है लाइक कर देना, और जिन लोगों को चाय पसंद है चाय पर जा कमेंट कर देना। अच्छा मम्मा, आज आप डिनर में क्या बना रहे हो? हे भगवान, इस लड़के से तो मैं परेशान आ गई हूँ। पता है गाइस, पूरे दिन ये खाती रही है, पूरे दिन ये जो खाती रही है, और अभी इस लड़की का पेट नहीं भरा, लग रहा है मुझे तो व्रत नहीं चरत होने वाला है। तो देखो आज मैं बना रही हूँ पूठू और सिंघाड़े के आटे की तेरे लिए पूड़ी बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पर जो बना दी है आलू और टमाटर की सब्जी। अरे वाह। तो गाइस, आपको भी पसंद है ना आलू और टमाटर की सब्जी, तो जल्दी से आ जाइए। आप ही, वो कैसी बनी है सब्जी, कैसी बनी है पूड़ी? अच्छा पापा ने बनाई है, मैंने बनाई है, बनाओ मैं और नाम पापा का हो। नहीं, पापा झूठी कहीं की, झूठी। पता है पापा बहुत अच्छी बनाते हैं। कैसी बनी है सब्जी?
बहुत बढ़िया चटपटी। और पूरी कैसी होनी है? बहुत बढ़िया मसालेदार। दही ले लिया आपने? दही नहीं ले रहे, ले लीजिए ना थोड़ा मीठा। बोलो सब्जी खा है? गाइस पापा की सब्जी का टेस्ट मुझे पता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि पापा जो भी सब्जी बनाते हैं यम्मी होती है। आज ये बोल रही है पापा की परी चमची टोंकी है। किसका पहने बैठी है महारानी जी आप? कोट किसका पहने बैठी हुई है? कोट पहनोगी मम्मी का, गुणगान करोगी पापा का। देखिए ये है भारत देश की बेटियाँ। तो फ्रेंड देखो मुझे मम्मी का ही अच्छा लग रहा है, और ये इतना सॉफ्ट है कि मम्मा तो मुझे अच्छे दिलाती नहीं है, खुद ही सारे अच्छे ले लेती है पापा से। तो बताओ मैं क्या करूँ, तो मुझे मम्मी का ही पहनना पड़ेगा ना। दल बदलू। हाँ तो फ्रेंड्स अब ना मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, और रात के 10 बज चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो अभी मम्मा पापा तो थोड़ी देर में सोएंगे, लेकिन मैं पहले सो जाती हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं गाइस। और सोचो मैंने आपके लिए एग्ज़ाम में वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ यार लाइक तो कर ही देना, इतना तो बनता है आपके लिए। तो चलो अब मैं जाती हूँ सोने, गुड नाइट बाय।